क्या आपने कभी सोचा है कि ईयरबड्स और स्मार्ट वॉच को कैसे बनाया जाता है? आज हम हैं रियलमी की फैक्ट्री में और आपको दिखाते हैं कि ये प्रोसेस किस तरह से होता है। सबसे पहले पीसीबी प्लेट्स में कंपोनेंट्स लगाए जाते हैं, इसके बाद इन्हें अच्छे से फिक्स किया जाता है, फिर ऑटोमेटिक एंड मैनुअल इंस्पेक्शन होता है। कंपोनेंट अच्छे से लग जाने के बाद पीसीबी में सॉफ्टवेयर को बर्न किया जाता है और उसके बाद भी इसकी अच्छे से टेस्टिंग की जाती है। प्रोसेस के कंप्लीट होने के बाद ये कुछ ऐसा नज़र आता है। इसके बाद बाकी के कंपोनेंट्स, डिस्प्ले और स्ट्रैप को भी जोड़ दिया जाता है। बड्स के लिए सबसे पहले ईयर पीस में मैश को लगाया जाता है और इसके बाद बाकी का सर्किट। सर्किट को अच्छे से जोड़ने के बाद इसमें एक गैस्केट लगाया जाता है जिसमें बैटरी फिट की जाती है। इसी बीच हर स्टेप पर इनके फीचर्स जैसे साउंड एंड ANC का भी इंस्पेक्शन हो जाता है। अब बारी आती है स्टेम की। यही ईयरबड का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है क्योंकि इसमें ही ईयरबड्स की PCB लगी होती है। इसमें भी ज़रूरी कंपोनेंट्स को लगाकर इसे तैयार कर लिया जाता है, फिर इन्हें जोड़कर एक ईयरबड तैयार होता है। इन सभी प्रोडक्ट्स का हर तरीके से क्वालिटी चेक भी किया जाता है, चाहे वाटर टेस्ट हो या एक्सट्रीम हीट एंड कोल्ड। टेस्ट पास करने के बाद प्रोडक्ट्स को पैकेजिंग के लिए भेज दिया जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फॉलो करें एडिटर जी को ऐसे और भी कंटेंट को देखने के लिए।